हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शेयर करेंगे नेनुआ की सब्ज़ी। और नेनुआ की सब्ज़ी एक बार इस तरीके से बना के देखिए, जो भी नेनुआ नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले नेनुआ ले लेना है और इसको छील लेना है। देखिए, नेनुआ को इसी तरह से छील लीजिएगा और अच्छा से धो लीजिएगा। और कभी भी नेनुआ को काटने के बाद मत धोइएगा, हमेशा काटने से पहले ही धो लीजिएगा, क्योंकि काटने के बाद धोने से नेनुआ में ज़्यादा पानी निकलने लगता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, कढ़ाई में सरसों तेल डाल देना है। अब थोड़ा सा पाँचफोरन डाल देना है और सूखा मिर्चा तोड़ के डाल देना है। अब देखिए, प्याज को इसी तरह से लंबा लंबा काट लीजिएगा और लहसुन अदरक और मिर्चा को कूट लीजिएगा, या आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। जब मिर्चा अच्छा से फ्राई हो जाए तो ये सबको डाल देना है और ये सबको हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। अब देखिए, प्याज अच्छा से भुना गया है, हल्का सुनहरा हो गया है। अब नेनुआ को डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लीजिएगा और स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और देखिए, चना दाल लेना है और इसको 80% तक पका लेना है और पूरा नहीं पकाना है। अब चना दाल को इसमें डाल देना है और अच्छा से मिला लेना है। अब इसको ढक के 5 मिनट पका लीजिएगा। अब देखिए, 5 मिनट के बाद दिखा रहे हैं, पानी आधा सूख गया है। अब आप लोग को इसमें मसाला डाल लेना है। और देखिए क्या क्या मसाला लिए हैं, दिखाते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्चा पाउडर 1/2 चम्मच। अब ये मसाला को डाल देना है और अच्छा से मिला लेना है। अब फिर से इसको 5 मिनट ढक के पका लेना है। देखिए, 5 मिनट के बाद दिखा रहे हैं। अब देखिए, नेनुआ में जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और सूखा लेना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाइए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले रेसिपी में।